पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कांग्रेस पार्टी को तो देश भर में ही लोग लंबे समय से छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी डूबते हुए जहाज में नहीं बैठना चाहता। अच्छा, और किसी का कारण कोई कुछ बता सकता है, कोई बहाना कभी कुछ बता सकता है, पर जो बात अभी कांग्रेस की पूरी के कैंडिडेट ने भी कही उनमें एक बात बड़ी विशेष समझने की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्राउड फंडिंग की कोशिश करी, वो लोगों के बीच में गई और उन लोगों से आग्रह किया कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, जैसे देश के सभी कैंडिडेट्स करते हैं। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। पर आज देश की जनता कांग्रेस के कैंडिडेट्स को किसी भी रूप में, ना तन से, ना मन से, ना धन से, किसी रूप में सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण है जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां रही हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस देश में राजनीति कर रही है, उसी कारण से इस देश की जनता उनको नहीं समर्थन कर रही। अच्छा, पर पैसा नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। अंजना जी, हम तो कल देख रहे थे रायबरेली में, 4 लोगों के लिए 2 प्राइवेट जेट उतरे और आखिरी 8 घंटों में 6 घंटे 4 घंटे कुछ बचे थे, उसमें जाकर के वो नॉमिनेशन फाइल करने लगे। ठीक है, आर। जो शाही परिवार के लिए, शहजादे के लिए 2-2 प्राइवेट जेट उतार सकते हैं, जिनके सांसदों के घर से 350 करोड़ का कैश निकलता हो, जहां पे मशीनें गर्म हो जाती है उस पैसे को ले जाने के लिए, जो ए से लेकर के जेड तक का भ्रष्टाचार करती हो पार्टी, वो पार्टी के भी कैंडिडेट अगर आज कहें कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा उनका इतने वर्षों का कमाया हुआ वो गांधी परिवार क्यों दबाए बैठी है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आप उनका पूरा वक्तव्य सुनेंगे तो पूरी तरह से उन्होंने क्लियर कर दिया कि किस तरह से वहां पर अथाह पैसा बीजेडी और बीजेपी के द्वारा बहाया जा रहा है। मैं उसके कंपैरिजन में स्टैंड नहीं कर पा रही, पहली बात तो यही है। दूसरा, भी तो नॉमिनेशन भी नहीं भरा था कांग्रेस पार्टी के, तो बीजेपी ने डर के मारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। तू समझा? हाँ। क्या ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? आप हमारे अकाउंट फ्रीज करेंगे और खुद इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा बहाएंगे, नोटबंदी का पैसा बहाएंगे, तो स्वाभाविक है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। दुम करो। अब दूसरा विषय यह है कि कई दिन से उनका जिस तरह का चुनाव प्रचार होना चाहिए था वैसा चुनाव प्रचार नहीं था। एक गारंटी कार्ड बांटना, इलेक्ट्रोल जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना, किस तरह से डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अपना चुनाव का प्रचार प्रसार करना, वो शायद नहीं कर पा रही थी। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने पहले ही मन बना लिया था, इस बात का उनको भी अंदेशा लग गया कि भाई मुझे कैंडिडेट को चेंज किया जा रहा है। जहां तक फंड की बात है, पार्टी, सब पार्टियां कुछ ना कुछ फंड कैंडिडेट्स को देती हैं, हर राज्य में अलग अलग भी दिया जाता है, कुछ ना कुछ जरूर दिया जाता है। बात तो सही है। फंड की बात जहां तक है, आज 95 लाख के करीब जो है वो लोकसभा के लिए लिमिट है, कैंडिडेट को स्वयं भी समझना चाहिए। सुचारिता जी तो पहले भी एक चुनाव लड़ चुकी हैं, उसमें भी जमानत जब्त हो गई थी इनकी। भाई जब आपको पता है कि आपकी जमानत पहले भी जब्त हुई थी, अगर मैं गलत ना हूं तो मैं फैक्ट्स को वेरीफाई भी कर सकता हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए, असली मुद्दा ये है कि 10 साल तक सरकार में रहने के बाद तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में, चक्की पीसिंग वालों को एडमिट करने के बाद, अपनी वॉशिंग मशीन में धोने के बाद, एक भी व्यक्ति को कन्विक्ट बिना किए आज भी बीजेपी के तमाम लोग जो है केवल आरोप लगा रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। शर्म करो कि कांग्रेस के पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास वो है। अरे भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा तो सारा आपके पास है। इलेक्टोरल बॉन्ड लो और धंधा दो, चंदा दो और धंधा लो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। समझ रहे हो? ईडी सीबीआई के माध्यम से एक्सटॉर्शन करने वाली पार्टी, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, पेगासस और नोटबंदी की पार्टी भी जब आरोप लगाती है तो देश समझ रहा है कि 10 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे देवा। आर। अब दिक्कत ये आती है कि बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का, क्योंकि इनके पास तो भ्रष्टाचार का अथाह पैसा है, ये तो एमएलए 50-50 खोखों में खरीदते हैं। लवणेन भोज्यम।